वेलकम वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाहीन ब्लॉगर की फैमिली में आप सभी का वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बर्गर। तो चलिए मेरे साथ देख लेते हैं बर्गर की रेसिपी। बर्गर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आ जाइए मेरे साथ मेरी किचन में। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलते हैं फिर, चलिए मेरे साथ देख लेते हैं कि बर्गर हम कैसे बनाएंगे। हाँ तो दोस्तों, देख लेते हैं हम बर्गर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले मैंने लिए ये 5 से 6 आलू हैं, 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, 50 ग्राम मटर हैं, 2 हरी मिर्च हैं, और थोड़ा सा ये ब्रेड क्रम्स है, और कटा हुआ हरा धनिया है बारीक, और ये सूखे मसाले हैं। तो सूखे मसाले में मैंने लिया है 1 टीस्पून चाट मसाला, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। सबसे पहले हम बना लेते हैं बर्गर की टिक्की। जो बर्गर के अंदर टिक्की रखी जाती है वो बना लेते हैं। उसके लिए मेरे को सबसे पहले आलू मैश कर लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी ये सूखे मसाले। हरी मिर्च, मटर, धनिया पत्ती, प्याज, और ये ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स बाइंडिंग का काम करेगा इसमें अच्छा। अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर आटा भी डाल सकते हैं इसमें, 2 टेबल स्पून वो ले सकते हैं आप। मैं यहाँ ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ, ये मैंने बनाए हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं इसकी रेसिपी भी दे दूंगी आपको। और मैंने इसके लिए व्हाइट सॉस बना के रखी है, अगर आपको उसकी रेसिपी देखना है तो मैं वो रेसिपी भी दे दूंगी आपको, आप कमेंट करिए मुझे। तो हमारा ये मसाला रेडी है, अब मैं हाथों पर ऑयल लगाकर इसकी टिक्की बना लूंगी। आप अपने हिसाब से टिक्की बनाएं, मोटी पतली आपको जैसी भी रखनी है। ये हमारी टिक्की तैयार है। मैं इसी तरह से सारे बैटर की इसी तरह से मैं टिक्कियाँ बना कर रख लूँगी। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ये सारी टिक्कियों को तैयार कर लिया है, ये रेडी है बनकर। अब मैं इनको सैलो फ्राई कर लूँगी। तो ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, और बस अब मैं इसमें सारी टिक्कियों को सैलो फ्राई कर लूँगी। बना रहे हैं और अब मैं इसको कट लूँ। ये देखिए एक साइड से हमारा कितना प्यारा कलर आया है, बिल्कुल बढ़िया कलर आया है। ये पाओ सॉरी बर्गर मेरे स्टाइल में आप लोग ट्राई करिएगा। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये मैंने आधे बिना ब्रेड क्रम्स के रेडी किए हैं, क्योंकि मेरे घर में आधे लोगों को ब्रेड क्रम्स से पसंद है और आधे बिना ब्रेड क्रम्स वाले। तो मैं ये वाले ब्रेड क्रम्स लगाकर फ्राई कर रही हूँ, आप देख लेते हैं, आ जाइए। इस तरह से इसको ब्रेड क्रम्स में डिप करूँगी और मैं इसको सेलो फ्राई करूँगी। हाँ तो दोस्तों, हमारी ये टिक्की सारी तैयार हो चुकी हैं, और मैंने लिया है ये बर्गर पाव। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिखता है। अब मैं इसको फ्राई करती हूँ, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मैं किस तरह से इसको फ्राई करूँगी।
मैंने इस पे डाला है थोड़ा सा बटर और ये छोले के दाने डाल रही हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है और इस पाव में ये नहीं आई है, तो मैं इसको इस पे लगा लूँगी और फ्राई कर लूँगी, साथ ही मैं इसको फ्राई कर लूँगी। आप लोग एक बार ट्राई करना इसे। और अगर आपको मेरी ये बर्गर की रेसिपी अच्छी लगे तो देखिए दोस्तों अभी कितना खूबसूरत सा लगने लग गया ना, एकदम मार्केट के जैसा। हाँ तो दोस्तों मैंने बटर को मेल्ट करके रख रखा है क्योंकि जमा हुआ डालने में थोड़ी दिक्कत आती है और यहाँ पर मेल्ट करने में उसको टाइम भी लग जाता है। मुझे थोड़ा जल्दी करना है, मैं इसलिए इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। और आप लोग भी मैं यही कहूँगी कि इसी तरह से रखें मेल्ट करके बटर को और फिर इस तरह से फ्राई करें। और अगर आपको मेरी ये बर्गर की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। हाँ तो दोस्तों ये देखिए ये मेरा पाव तैयार है और मैंने इसको बीच से इस तरह से कट कर लिया है और हल्का सा जुड़ा रहने दिया है। तो आप देख लेते हैं हम इसके अंदर हमको किस तरह से ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। और देखते हैं पहले हरी सब्जियाँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिए हैं दो खीरे हैं जिनको मैंने छील कर काट लिया है। और ये पत्ता गोभी है, इसे बारीक चॉप कर लिया है। ये प्याज है, इसे भी मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। और ये टमाटर हैं, ये भी मैंने गोल काट लिया है। और ये थोड़ी सी शिमला मिर्च को भी बारीक काट लिया है। और ये मैंने अमूल चीज़ ली है स्लाइस, अमूल चीज़ है ये। और ये मैंने जो दो घर में सॉस तैयार किए हैं, एक वाइट सॉस एक रेड सॉस, तो ये देख लेते हैं। ये रेड सॉस है जो मैंने तैयार की अभी। अगर आपको इसकी रेसिपी देखना है तो मुझे कमेंट करिए। ये व्हाइट सॉस है, इन दोनों को मैंने अभी रेडी किया है, मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने इसकी रेसिपी नहीं डाली है। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं इसकी रेसिपी भी दे दूंगी आपको। तो चलिए देख लेते हैं हम इसमें। सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें ये व्हाइट सॉस, सॉरी रेड सॉस। अब हम लगाएंगे इसमें व्हाइट सॉस जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, ये व्हाइट सॉस है, ये लगाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी। अब हम रखेंगे इसमें हमारी आलू टिक्की। अब मैं इस पे डालूंगी खीरा। मैं डालूंगी इसमें टमाटर। अब मैं इसमें रखूंगी ये चीज की स्लाइस। अब मैं लगा दूंगी टमाटर, प्याज। थोड़ी सी शिमला मिर्च। फिर से एक बार मैं थोड़ी सी रेड सॉस लगाऊंगी। ये मेरी स्टाइल का है इसलिए मैं मेरे तरीके से बनाती हूँ। फिर से व्हाइट सॉस, थोड़ा हम डालेंगे इसमें कि इसका फ्लेवर एकदम यम्मी हो जाए। अब हम इसको कर देंगे बंद। ये देखिए यम्मी सा मेरा बर्गर बनकर रेडी है, कि आप देख सकते हैं, दिख रहा है ना एकदम यम्मी टेस्टी। ये देखिए तैयार है मेरा बर्गर। आइए टेस्ट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा बर्गर। ये देखिए एकदम चीजी चीज से भरा हुआ है ये, और व्हाइट सॉस का टेस्ट तो इसमें बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। देखने के लिए थैंक यू, और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।